नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश में, और मैं हूं आपके साथ जागृति। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो आ रही है पानीपत से। बड़ी खबर पानीपत से, जहां पेट्रोल पंप पर युवक की गुंडई सामने आई है। लाठी से एक पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करी, पंप संचालक के पिता से की मारपीट, वही सीसीटीवी में सारी वारदात कैद हुई है। बड़ी खबर पानीपत से, जहां पेट्रोल पंप पर एक युवक की गुंडई की वारदात हुई है। वही लाठी से पेट्रोल पंप पर उस युवक ने तोड़फोड़ की, वही पंप संचालक के पिता से मारपीट की। साथ ही सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। बड़ी खबर पानीपत से, जहां पेट्रोल पंप पर एक युवक की गुंडई देखी गई। युवक ने लाठी से पेट्रोल पंप पर पहले तोड़फोड़ की और उसके बाद पंप संचालक पिता के साथ मारपीट की। वही सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। साहब आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं पानीपत से, जहां पेट्रोल पंप पर एक युवक की गुंडई देखी गई। युवक ने पहले लाठी से पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की और उसके बाद पंप संचालक के पिता के साथ मारपीट की। वहीं ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। उस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से, जहां पेट्रोल पंप पर युवक की गुंडई देखने को मिली। युवक ने पहले लाठी से पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की और उसके बाद पंप संचालक के पिता के साथ मारपीट की। वहीं ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको बता दें कि सारा मामला पानीपत का है, जहां एक युवक ने पहले लाठी से पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की और उसके बाद पंप संचालक के पिता के साथ मारपीट की। वहीं सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस वक्त आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर यह सीसीटीवी में कैद वारदात, जिसमें एक युवक लाठी से पहले तोड़फोड़ करता नजर आया और उसके बाद उसने पंप संचालक के पिता के साथ मारपीट की। वहीं सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। रात को 10 बजे करीब भाई छोटा पंप पे बैठा था। एक लड़का जो आया नशे में धुत था, उसने उसकी गाड़ी फंसी हुई थी, उसको निकलवाने की कोशिश की, निकली नहीं वो गाड़ी। उसके बाद उसने गाड़ी में से लाठी निकाल के मशीनों को तोड़ा फोड़ा और हमारे को चोट भी मारी, पिताजी की आँख पे चोट मारी है। और उसके बाद हमने 112 पे फ़ोन करा, पुलिस आ गई, उनके खिलाफ हमने लिख के दिया है खड़ी कार्रवाई। शिकायत जी सुनील कुमार ने शिकायत दिया जी, सेतिया पंप पे एक लड़के ने मारपीट करी है, तोड़ फोड़ करी है, उनके साथ मारपीट कर गया और फिर जो मारपीट करके जान से मारने धमकी देता भाग गया। जो इन्होंने अब दरखास्त दी है, जो कार्यवाही उसकी कार्रवाई करे न करे। कितने बजे घटना थी और किस पे आया था, क्या कैसे? ये रात 10 बजे ही घटना थी और अपनी गाड़ी लेके आया था, जो गाड़ी इसमें फंस गई थी नाले में, उसकी वजह से इनकी कुछ कहा सुने, उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया था, उन्होंने मारपीट शुरू उसने कर दी। वहीं पानीपत से इस खबर पर हमारे साथ धर्मवीर जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या है अब तक पूरी जानकारी? जी आपको बता दें कि ये घटना है जो बीती रात की है, 10 बजे के करीब ये घटना है। एक युवक कार में सवार होकर आता है और पानीपत के मॉडल टाउन में सेतिया पेट्रोल पंप है, वहां पर वो नशे की हालत में वहां पे तोड़फोड़ करता है। और जो यहां पर अनिल सेतिया है, जो पेट्रोल पंप के मालिक है, उनके पिताजी भी वहीं बैठे हुए थे, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की है। सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। जब जांच अधिकारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है और युवक की पहचान की जा रही है। और इसमें खास बात यह है कि युवक अपनी सियाद गाड़ी वहीं पर छोड़कर वो वहां से फरार हो गया है। पुलिस ने उसके नंबर सर्च कर रही है और उनका कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिए। क्या आरोपी की पहचान हो पाई है कि कौन वो युवक था जिसने तोड़फोड़ की? अभी तक हमारी जो जांच अधिकारी से भी बात हुई है वो करी है, वो लगातार इस मामले में लगे हुए हैं। आरोपी पहचान अभी तक नहीं हुई है। गाड़ी अपने कब्जे में पुलिस ने ले ली है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, तो क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने पंप संचालक के पिता के साथ मारपीट की, तो क्या उन्होंने कुछ बताया कि किसी रंजिश की वजह से या किस कारणों से ऐसी स्थिति जो है वो हो गई, क्योंकि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है? जी, जब जो पेट्रोल पंप संचालक है अनिल सेतिया जी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी यहाँ पे बैठे हुए थे, उनके पिताजी के साथ किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं था और उन्होंने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की थी पेट्रोल पंप पे आके। उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनका कहना कि वो आरोपी जो युवक जी ने तोड़फोड़ की है उनके बारे में वो कुछ नहीं जानते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर पानीपत से थी, जहां पेट्रोल पंप पर एक युवक ने पहले लाठी से तोड़फोड़ की और उसके बाद
पंप संचालक के पिता के साथ मारपीट की। वहीं पंप संचालक पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सारी वारदात कैद हो गई, जहां अब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में शहीद राजा नाहर सिंह के परपौत्र सुनील तेवतिया ने 174वें बलिदान दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया, जिसमें एनएलओ नेता अभय चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राजा नाहर सिंह के वंशजों ने अभय चौटाला का ढोल नगाड़ों और मालाओं के साथ स्वागत किया। अभय चौटाला ने शहीद राजा नाहर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में वो किसानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। राजा नाहर सिंह जी ने अपनी छोटी उम्र में एक इतना बड़ा महान काम किया कि इस देश के अंदर अंग्रेज जब आया तो कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उस अंग्रेज से इस देश को कैसे आजाद कराया जाए। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई उससे पहले राजा नाहर सिंह जब राजा बने, जब उन्हें जब उनके पिताश्री की डेथ हुई और उनकी डेथ के बाद जब उनको ये शासन सौंपा गया, कोई बड़ी रियासत नहीं थी बावजूद छोटी रियासत होने की। आज हमारे इस कार्यक्रम के जैसा कि हर साल आयोजन होता है 9 जनवरी को, इस दिन राजा नाहर सिंह को लाल किले के सामने अंग्रेजों ने धोखे से फांसी दी थी, तो उसको उनको याद करने के लिए हर साल ये बलिदान दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं। और पहले के मुकाबले अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो सरकार से हमारी मांग है कि एक विस्तार से पाठ्यक्रम में इसको इनकी जीवनी को शामिल किया जाए, और जहाँ तक ये महल है बजाय इसको होटल के इसको म्यूजियम बना दिया जाए, ताकि आने वाले लोग बच्चे जो जब यहाँ देखने आएंगे तो उनको पता चल सके, वो जानने का मौका मिले कि हमारे पूर्वज किस तरह के थे, इस देश के लिए क्या कुर्बानियाँ दी थी। वहीं कुरुक्षेत्र के पिहोवा में जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। निशांत सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी कहेगी तो 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में गठबंधन साधी चुनाव प्रचार जरूर करने जाएंगे, इसे लेकर जल्द ही पार्टी हाईकमान फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन हम घटक हैं, उनके अलाइस हैं भाजपा के, तो कोई ऐसी हमारी लीडरशिप कोई भाजपा के कहने पे कोई निर्णय लेती है कहीं को मदद करने की तो करेंगे। 5 राज्यों में अगर जाएंगे चुनाव प्रचार करने जाएंगे अगर आपकी गठबंधन की सरकार, मैंने वही कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करती है, वो कहती है, तो उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेते हैं तो जरूर करेंगे। देखिए ये बातें दुर्भाग्यपूर्ण तो होती हैं, प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया हैं, अगर कहीं कोई ऐसी चूक हुई है सुरक्षा में तो शायद वो आपसी तालमेल की कमी रही है एसपीजी की और स्टेट गवर्नमेंट की, या क्या ऐसा कारण था। और ये भी सुना गया कि किसान लोगों ने भी कहा हुआ था कि आएंगे तो विरोध करेंगे ऐसा कुछ, और ये भी लगता है कि उसने हेलीकॉप्टर ना उड़ पाने की वजह से वेदर की जो दिक्कत थी
शायद ऐसी को दिखते आई है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी कार्यकर्ताओं को वर्करों को मिलने के लिए अब प्रदेश में निकले हैं। आज उसी कड़ी में हमारे हलका पेवा में भी कहीं गांवों में वर्करों से मिलने के लिए सुख दुख में, क्योंकि एक साल से तो करीब कुछ तो किसान आंदोलन की वजह से और कुछ कोरोना काल की वजह से साथीगत था सारा प्रोग्राम। अब वो हमारे को पेवा हलका के वर्करों को दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से दे करके गए हैं भी जैसे 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, अगर पार्टी जहां जहां भी जिसको ड्यूटी लगाएगी, चाहे कोई गोवा में हो, चाहे कोई पंजाब में हो, चाहे कोई मणिपुर में हो, चाहे कोई उत्तराखंड में हो, यूपी में हो, जहां भी चुनाव है विधानसभा के, तो हम वहां जाकर के अपनी ड्यूटी। कैथल से विधायक दौरान लीला राम ने थाने के बाहर दो पक्षों में हुई फायरिंग के मुद्दे पर अपनी बात रखी और विरोधियों को घेरा। पुलिस और विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, सरकार को बदनाम करने के लिए रणदीप सुरजेवाला षड्यंत्र कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, यहां तक कि कैथल के पुलिस अधीक्षक लाइन पुलिस लाइन में सभी थाना प्रभारियों की सुरक्षा को लेकर मीटिंग ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तीतरम थाने के बाहर दनादन गोलियां चल रही थी। यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, अस्पताल में आकर भी दोनों गुटों के बीच झगड़ा हुआ। कानून व्यवस्था के ऊपर जो है सवालिया निशान उठ रहे हैं। हमारे पास कैथल के विधायक लीला राम जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस कानून व्यवस्था को किस प्रकार देखते हैं, इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं। जी नमस्कार जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये घटना है जो कैथल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की साजिश है, और मैंने मीडिया के सामने पहले भी कहा है जो तीतरम थाने के अंदर जो घटना घटी है, तीतरम चौक पर जो घटना घटी है, उसमें गोली चलाने वाले भी सुरजे रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यकर्ता हैं और जिनके ऊपर चलाई जा रही है वो भी रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यकर्ता कह लीजिए या राइट लेफ्ट उसके बाजू कह लीजिए उनको, और ये पूरे तौर पर षड्यंत्र के तहत कैथल में गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं। और पहले भी इनका ये काम रहा है कि गरीब ऐसाए लोगों की छोटे मोटे को डिस्प्यूट वाली जमीन को लेना, उन पर कब्जा करना और लोगों से जोर जबरदस्ती करना, परंतु सुरजेवाला जी पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मैंने मीडिया के माध्यम से कहा था वो जहाँ भी जाते हैं इस प्रकार की गुंडागर्दी करने का काम करते हैं और इन असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते हैं, सुरक्षा देते हैं। और पहले भी जब ये मंत्री थे कैथल के अंदर, हरियाणा प्रदेश सरकार में मंत्री थे कैथल के अंदर, इन्होंने अपनी सरकार के उत्तर बहुत गुंडागर्दी करने का काम किया है, और उनका आज तक मैंने सरकार से मांग भी की है कि इनकी जांच होनी चाहिए, अगर सरकार उसकी जाँच कराएगी ये रणदीप सिंह सुरजेवाला 100% जेल जाएगा। परंतु अब ये जो घटना घटी है इसमें भी दोनों पार्टियां रणदीप सुरजेवाला की है, और मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसके बारे में उनको भी अवगत करवाने का काम करूंगा। विधायक जी, आप कैथल के विधायक हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि शहर में जो इस प्रकार के तत्व हैं उनका सफाया किया जाए, इसको लेकर जो है आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? और मैंने कहा ना, मैं मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और इस पर पूरे तौर पर उनको बताने का काम करूंगा, और ये नहीं पुरानी और नई घटनाओं का उनके सामने रखूंगा और ये कहूंगा जी इस प्रकार के तत्वों को हम कैथल में अलाउ नहीं कर सकते, कैथल जिला शांति प्रिय लोगों का जिला है और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों का कैथल में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ कैथल के विधायक लीला राम जी थे, उन्होंने ये कहा है कि कानून और व्यवस्था उसके बारे में जो है मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनके समक्ष जो है ये मुद्दा उठाया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनर्वृत्ति ना हो इसके लिए जो है उनसे अपील की जाएगी। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। वहीं छछर नगर परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें शहर के विकास से संबंधित मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही लोगों को सुविधा देने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में कोरोना के रोकथाम के लिए सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए जिसमें सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने, मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही नगर परिषद में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश
दिए गए। झज्जर नगर परिषद की मीटिंग हुई। हिसार में कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते जिले में 80 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 290 हो गई है। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने बताया कि शहर में कोरोना का रिकवरी रेट घटकर 97.36% हो गया है। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 8,41,492 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें संक्रमण के कुल 54,326 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक कुल 52,894 लोगों को कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। भिवानी का स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज के लिए जागरूक कर रहा है, लेकिन नए आदेशों के अनुसार दोनों डोजों ले चुके लोगों को अब प्रिकॉशनरी डोज लेनी होगी। हालांकि अभी भी सरकार की हिदायतों के अनुसार ये डोज सिर्फ 60 साल से अधिक उम्र के बीमार लोगों, फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्करों को लगेगी, लेकिन उन्होंने भी ये डोज पहली डोज के 9 महीने या फिर 39 हफ्ते बाद ही मिलेगी। जितने भी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ग्राम सचिव हैं, इनको साथ लेकर के और हमारी जिला परिषद और सीएम इनकी टोली बनाकर इनके मार्गदर्शन के अंदर हर गांव में जो इस प्रकार के दिव्यांग हैं, जो छिपे बैठे हैं, या माँ बाप ने उनको अपनी नीति मान लिया है, या दिव्यांग ने भी अपना भाग्य मान लिया है, ऐसे तमाम दिव्यांगों तक अप्रोच करेंगे, उसके लिए एक इश्तेहार छाप करके उनके पास जाएंगे, उनको उसके पास बैठ करके उसको निकट के हॉस्पिटल में लेकर के आएंगे। अब हरियाणा सरकार ने सभी उपमंडल हॉस्पिटलों में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना तय कर दिया है। अभी तक केवल जिला केंद्रों पर होता था, जहां बहुत भीड़ होती थी। अब डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हमने प्रत्येक बुधवार को 11 बजे से 1 बजे तक का समय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ साथ यूडीआईडी कार्ड, अगस्त 2022 से तमाम दिव्यांगों की सुविधाएं यूडीआईडी कार्ड से जुड़ जाएंगी। किसी के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं होगा तो उसको सुविधा बंद हो जाएगी। इसलिए एक टारगेट दिया गया है पूरे भारत अगस्त 2022, तो उसके 3 वर्ष पुराने जितने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैं उन सबको भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नए सिरे से बनवाना है, उसके साथ ही यूडीआईडी कार्ड भी बन जाएगा। भिवानी में वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी प्रिया असीजा मुख्य रूप से मौजूद रही। इस कैंप में लोगों को वैक्सीन लगी और कोरोना के मरीजों से अपील की गई कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हर इलाज के लिए दवाइयां और बेड भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। जानकारी के लिए बता दें कि भिवानी में वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने हासिल कर लिया है और दूसरी डोज भी 84% तक पूरी हुई। किशोरों के लिए हमारा आह्वान है, विशेष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, और यह अभियान चल रहा है और जैसे ही ये अभियान अपने यौवन पर पहुंचेगा या लगभग उत्तरार्ध में होगा, उसके पश्चात पहले भी हमने हरियाणा के अंदर किया है स्पेशल ड्राइव, जो दिव्यांग जन हैं उनके घर घर पर जाकर अथवा घर से उनको ला करके वैक्सीनेशन सेंटर पर लाना, वैक्सीनेट कराना और वापस उनके निवास पर छोड़ करके आना, उसके लिए वाहनों की और कार्यकर्ताओं की व्यवस्था हरियाणा सरकार के द्वारा पहले भी की गई है। कि मैंने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए कोविड वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और लोगों का स्वभाव होना चाहिए कि वो गाइडलाइन का पालन करें।
ये तीन बातें बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो पहले तो 18 प्लस की जो कोविड वैक्सीनेशन थी, फ्रंट लाइन की वैक्सीनेशन थी, हेल्थ केयर वर्कर की वैक्सीनेशन थी, उनकी सेकेंड डोज पूरी हो गई है। और अभी सरकार ने ध्यान में रखते हुए कि लोगों की इम्यूनिटी बरकरार है, तो एक प्रिकॉशनरी नाम की डोज लगानी है, जिसका फायदा ये है कि जो इम्यूनिटी जो डाउन में चली जाती है तो उसको एक स्टेप अप इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करेगी। जींद में गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश उत्सव के मौके पर गुरुद्वारों को सजाया गया। इस दौरान कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन किया गया। गुरुद्वारों में आने वाले श्रद्धालुओं के हाथों को सैनिटाइज कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस दौरान पालन किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए मास्क जरूरी किया गया। अगर कोई श्रद्धालु मास्क पहनकर नहीं आया तो उसे गुरुद्वारे में ही मास्क दिया गया। कोविड-19 की पूरी जो गाइडलाइन है उनकी पालन की जा रही है। मेन गेट पे 3 कर्मचारी बिठाए हुए हैं। जितनी भी संगत गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए आती है उनको मास्क, सैनिटाइजर और थोड़ा या नियमों की पालना करने के लिए बड़ी सत्कार के साथ उनको बोला जाता है। और हर अंदर आने वाले श्रद्धालु को सैनिटाइजर और मास्क गुरुद्वारा की तरफ से दिया जाता है। वहीं रेवाड़ी में हर्षोल्लास के साथ गुरु गोबिंद सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान ब्लू ग्रंथी मक्खन सिंह ने बताया कि मौसम खराब होने के बावजूद भी नगर कीर्तन निकाला गया। साथ ही गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा में लंगर ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बता दें कि गुरु गोबिंद सिंह की जयंती के अवसर पर उमड़ी आस्था की भीड़ ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। यहां मौजूद लोग कोरोना नियमों का पालन करना ही भूल गए। वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साहब संगत जी, आज श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का महान प्रकाश पर्व बहुत ही खुशियां नाल मनाया गया। सारे संसार के अंदर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने अपना सारा सरबंस देश धर्म वास्ते कुर्बान कर दिता, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने नीवा चिनाया गया उफ तक नहीं की, वड्डे साहबजादे जिन्होंने जंग विच अपने हाथी तैयार करके भेजा। नूह के मुख्यालय में तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। दरअसल यहां शहीद पार्क में जिले का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लगा हुआ है, जो पिछले कई दिनों से हवा में फटा हुआ लह रहा है। नगर परिषद के अधिकारियों को इसकी जानकारी भी है, लेकिन सुस्त रवैये के चलते अभी तक इसको बदला नहीं गया है। बता दें कि इस शहीद पार्क में कांग्रेस के पूर्व में रहे सांसद नवीन जिंदल ने 100 फुट का तिरंगा झंडा फहराया था और अब इस तिरंगे झंडे की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, लेकिन शायद जिला प्रशासन अब अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा।